हेलो दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। घंटों पूछताछ के बाद यस बैंक संस्थापक राणा कपूर को ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। करीब 20 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ के बाद जब उनको संतुष्टि नहीं मिली जवाबों के रूप में और जब पाया गया कि कुछ यहाँ पे संभावनाएं लग रही है इनके दोषी पाया गया तो दोस्तों उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूरी खबर आपको बता दें दोस्तों, आज सुबह ही 4 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों इस खबर के बाद यहाँ पे फिर से यस बैंक में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ साथ साथ चलती नजर आ रही है। जिस प्रकार यहाँ पे SBI का बयान आ रहा है उससे लग रहा है कि यस बैंक में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जब से यस बैंक राणा कपूर के घर पर छापा मारा गया ऐसे लग रहा है यस बैंक वापस से डर का माहौल पैदा हो गया है। फिर दूसरी दोस्तों खबर आती है, फिर गुड न्यूज़ आती है कि RBI यस बैंक में 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर जल्द ही डालने वाला है। तो बड़ा यस बैंक फिर से माहौल यानी कि उछाल का माहौल बनता नजर आ रहा है। फिर से दोस्तों यहाँ पे अचानक फिर से बैड न्यूज़ आती है कि यस बैंक के जो राणा कपूर है उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि एक गुड न्यूज़ फिर एक बैड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ कंटिन्यू जारी रहे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे यानी कि जो अब 2 दिन यहाँ पे पता है यानी कि 3-4 दिन लगातार होलीडे रहेगा, यानी कि ऐसे सैटरडे आज संडे उसके बाद में फिर होली धुलंडी, यहाँ पे 4 दिन लगातार अवकाश रहेगा उसके बाद मार्केट खुलेगा। तो इसी के बीच में 2 दिन और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यस बैंक में न्यूज़ निकल के आने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि यस बैंक में दोस्तों अब जो डर का माहौल था दोस्तों वो ऑलरेडी यहाँ पे पूरा जो पैनिक था वो यहाँ पे देखने को मिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक 5 रुपये का लेवल यहाँ पे छू चुका है। और यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे यस बैंक में अब RBI यहाँ पे आपको बिल्कुल SBI की तरफ से पूरा बयान आ चुका है, वो इसमें 2,500 करोड़ डालने वाले हैं और RBI 5,000 करोड़ उससे ज़्यादा है 10,000 करोड़ तक का पैसा डाल सकते हैं। ये 2 गुड न्यूज़ हैं और इसी के साथ 2 बैड न्यूज़ जो राणा कपूर से जुड़ी हुई है। पहले तो घर पर छापा उसके बाद राणा कपूर की गिरफ्तारी। चलिए दोस्तों 20 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को अल सुबह यानी कि 4 बजे राणा कपूर की गिरफ्तारी हुई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस DHFL लिमिटेड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और ईडी ने मुंबई के जांच का दायरा बढ़ाते हुए उनके 3 बेटों के आवास पर भी छापेमारी की गई है। उनसे पूछताछ जारी चल रही है। देख सकते हैं DHFL में दोस्तों जिन्होंने जो लोन दिया था उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनका जो रिश्वत के तौर में पैसा आए हैं इनके इनके पत्नी के रूप में पत्नी के खाते में बेटी के खाते में उनकी जांच चल रही है, जिनमें ईडी को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। जैसे कि दीवान हाउसिंग DHFL से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में शनिवार देर रात को भी उनसे पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बैंक के पूर्व प्रमोटर और संस्थापक राणा कपूर के घर छापेमारी की गई। राणा कपूर को कल रविवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूर्व SBI CFO प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया। यस बैंक की देश भर में 1,000 से अधिक शाखाएं और 1,800 से अधिक ATM हैं। तो ये यस बैंक में दोस्तों देखिए RBI जो कदम उठा रही है उससे देश में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई है। लेकिन अब RBI जो कदम उठा रही है उससे यस बैंक में जो पॉजिटिव जो थिंकिंग लोगों की बन रही है, हालांकि शेयर होल्डर्स की बन रही है लेकिन डिपॉजिटर की अभी तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि अभी डेली लगातार न्यूज में आ रहा है कि ATM के बाहर लाइन लगी हुई है। अगर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती तो जिस प्रकार वो संतुष्टि वो उनको मिल रही थी डेली, वो लाइन पे नहीं लगे हुए थे, आराम से अपना पैसा निकाल सकते हो, दो आराम से संतुष्ट होते घर पे बैठते, जब उनको जरूरत होती तो निकाल लेते। अब लोगों में डर का माहौल ऐसा हो गया कि उनके पास पैसे पड़े हैं तो भी वो चाह रहे हैं कि अपन कम से कम 50,000 मिल रहे हैं वो तो मैं निकालूं, जबरदस्ती निकालने के तुले हैं यानी कि उनको जरूरत नहीं तो भी निकालने की जरूरत है। वो क्यों निकालें, डर की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डर अभी तभी यहाँ पर यस बैंक के जो डिपॉजिटर है उनमें डर का माहौल है और शेयर होल्डर्स में भी माहौल आपने देखा, जो शेयर होल्डर 37 रुपये से लेकर 5 रुपये आगे उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की गई थी और लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए गए हैं। तो ये देखो ये दोस्तों एक आपको पता है शेयर मार्केट में साजिश का भी हो सकती है, बड़ी ऊपरी लेवल से होकर दोस्तों ये साजिश निकल के आती है, उसके पश्चात आपको 1 महीने बाद में हो सकता है यस बैंक आपको आसमान छूता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों वो जो मुझे इस कहोत के रूप में दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहा है वॉरेन बफेट का वो रूल्स, जिन्होंने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा था, उन्होंने पहली बार जैसे वो शेयर धड़ाम से टूटा 50% टूटा उन्होंने अपनी पोजिशन एग्जिट कर ली थी, उसके पश्चात उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद वो शेयर बुल इंडिया को छूता नजर आया। तब से उन्होंने दोस्तों शेयर मार्केट में ठाना था कि शेयर मार्केट में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब देखो दोस्तों वो टेक्निकल जो मैटर होता है वो टेक्निकल एग्जिट का मैटर यहाँ पर निकल कर, लेकिन यस बैंक में आपको पता टेक्निकल के साथ साथ यहाँ पर न्यूज काम कर रही थी। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूँ यहाँ पे जो SS मार्केट न्यूज में दोस्तों आपको यहाँ पे जो मेरे जो ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा जो दोस्तों हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा किस तरह आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपकी गलती होती दोस्तों सर
मतलब तो हम आपके साथ इंट्राडे के ग्रुप में क्यों जुड़ते हैं। इंट्राडे के दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों परफेक्ट यहाँ पे निकल के आई है ऐसे मार्केट न्यूज की, क्योंकि उनके दोस्तों वोटिंग से मुझे पता चला है। मैं खुद भी दोस्तों आपको कंटिन्यू में चैलेंज करता आ रहा हूँ वो तो आपने देखा ही, लेकिन उनके दोस्तों जो समर्थन मुझे मिला है, आपका जो समर्थन मुझे मिला है अब मेरा जो ग्रुप है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इंट्राडे के अंदर। अब आपको पता है दोस्तों जब जो बड़े से बड़े एक वो बहुत जो जाना माना डॉक्टर होता है वो कई पेशेंट्स का इलाज करता है, कई को जिंदगी सवार देता है, लेकिन कई बार उनकी जो जो पेशेंट होता है एक पेशेंट जो उनकी जो उस दिन मौत निश्चित होती है, भगवान ने उसकी मौत उस दिन निश्चित कर दी है, वो इतना बड़ा डॉक्टर उसको बचा नहीं पाता दोस्तों। वही दोस्तों ऐसे मार्केट न्यूज के साथ हो रहा है कि इतना दोस्तों इंट्राडे की परफेक्ट एनालिसिस दोस्तों और होल्डिंग की परफेक्ट एनालिसिस करने के बावजूद दोस्तों यस बैंक में आप देख सकते हैं वो क्या हालत हुई है। जो दोस्तों वो मतलब निश्चित जो कोई न्यूज पे कोई मैटर पे कहना कि सडनली हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आ जाता है दोस्तों, उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस व्यक्ति की उम्र 40-45 थी, उसको वो काम करते करते दोस्तों मतलब अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी सडनली हार्ट अटैक, उसमें ना तो डॉक्टर कुछ कर पाया, जो कि इतने विख्यात डॉक्टर हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो मैटर निकल के आया दोस्तों वो आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर जो क्या नाम से जो शिकंजा कसा है उस वजह से यहाँ पे निकल के आया है, और जो छापेमारी मारी गई है, और भी दोस्तों यहाँ पे बैड न्यूज निकल के आया उस वजह से दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल चार्ट यहाँ पे फेल होता नजर आया है। अगर दोस्तों टेक्निकल चार्ट यहाँ पे पूरा ही फेल होता तो यस बैंक में दोस्तों इंट्राडे के जो ग्रुप लोग ज्वाइन नहीं करते और एक ही दिन में डबल पैसा आपको बना के नहीं देता दोस्तों। यस बैंक में ही बना के जो फिर भी देखते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट के दम पे ही, न्यूज के दम पे नहीं दोस्तों। न्यूज तो उसमें देखो बिल्कुल खराब थी, उसके अपोजिट जाके बनाया है। किसने बनाया दोस्तों? एसएल मार्केट न्यूज ने उसके अपोजिट जाके। ऐसा नहीं दोस्तों, देखो सारा माहौल पूरा सेल का माहौल था, पूरा माहौल सेल का था, देख सकते हैं पूरा माहौल सेल का था, लेकिन मैं उसके अपोजिट जाके आपको फिर से डबल पैसा 9 रुपये आपको कॉल दी थी, और वो कॉल कहाँ दी दोस्तों? 18 रुपये का टारगेट दिया, तो आपको टारगेट 18 रुपये प्लस का टारगेट देखने को मिले दोस्तों। ये टेक्निकल चार्ट का ही दम है दोस्तों, इसमें न्यूज कोई काम नहीं कर पाई थी। एसएल मार्केट न्यूज कभी न्यूज के दम पे दोस्तों कभी आपको कॉल नहीं देता। अगर न्यूज के दम पे आपको दोस्तों कॉल देता तो देखो बहुत सारी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी आपको अभी दे दूँ, यहाँ से बाई करके बैठ देना, वहाँ से बाई करके बैठ देना, लेकिन दोस्तों मैं देख सकता हूँ 10 बजे बाद आपको कॉल देता हूँ। 10 बजे बाद दोस्तों टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने के पश्चात दोस्तों आपके मैं कॉल देता हूँ। अगर दोस्तों न्यूज के दम पे आपको कॉल दूँ तो CNBC में दोस्तों आप डेली 20-20 स्टॉक बताते हैं, वो वहाँ से दोस्तों मैं रीड करके आपको भी बता दूँ, ये लीजिए यहाँ से बाई कर लीजिए, वहाँ इतना टारगेट आपको देखने मिल जाए। लेकिन दोस्तों कभी CNBC के दोस्तों ऐसे मार्केट न्यूज कभी कॉपी नहीं है उनके दोस्तों। 7 बजे स्टॉक्स बताए जाते हैं, 7:30 बजे स्टॉक बताए जाते हैं उनका दोस्तों, देख सकते 9 बजे पूरा कमाल पूरा जो टारगेट आते हैं वो आ जाते हैं, गैप अप के साथ आ जाते हैं, गैप डाउन के साथ आ जाते हैं। लेकिन ऐसे मार्केट न्यूज दोस्तों आपको 10 बजे बाद दोस्तों अपनी खुद की पर्सनल दम पे अपनी खुद की औकात दोस्तों एनालिसिस करके दोस्तों आपको प्रॉफिट कराता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका बहुत 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 धन्यवाद जिस जो मेरा जो आपका मनोबल जो मेरे साथ है कि वो सर जो यस बैंक का होना था वो हो जाने दीजिए, क्योंकि सडनली एक हार्ट अटैक की तरह ये केस बना है। इसमें अब ऐसे मार्केट न्यूज की किसी की दोस्तों बड़े बड़े एनालिसिस की कोई यहाँ पे कोई गलती नहीं है कि एक बिल्कुल न्यूज़ के फेवर में कहें कि किसी व्यक्ति को सडनली हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसमें यस बैंक में वही केस सडनली हार्ट अटैक यहाँ पर देखा गया है, तो इसमें दोस्तों ना तो कुछ कोई कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाता। भगवान के आगे दोस्तों किसी की नहीं चलती, और मौत के आगे दोस्तों किसी की नहीं चलती, कब किसी की मौत आ जाए कोई दोस्तों कह के नहीं आती है। और जिंदगी और दोस्तों मौत का कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कल आज इस पूरे वर्ल्ड में किसकी मौत हो जाएगी, कोई अनुमान नहीं लगा सकता दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तो अब मौत की जिंदगी की बात हो गई। मैं यस बैंक में यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, यहाँ जो मैंने बात की है वो यस बैंक के जो प्रमोटर उनकी गिरफ्तार की गई है, और मैं आपको अलग वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस करके फिर से मेरा ओपिनियन आपके सामने मैं रख दूंगा, हालांकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अलग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैंने बताया है यस बैंक के बारे में, अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बता दिया है। और यस बैंक का जो पूरा जो मैटर क्या करना है यस बैंक के शेयर होल्डर्स को जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उनको मैंने अलग में सारा मैसेज बता दिया है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों आप यूट्यूब की मेरे चैनल देखते हो, बहुत सारे चैनल आप देखते हैं, सभी के चैनल आप दोस्तों रीड करते रहते हैं दोस्तों। अब ये मेरी अपना ओपिनियन है, तो आप अपना दोस्तों ये डिसीजन खुद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन दोस्तों गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो आप अपना ओपिनियन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अपना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए परफेक्ट कि यस बैंक के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे करना क्या चाहिए, कितना समय तक उनको वेट करना चाहिए, या कि यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए दोस्तों। मैं अपना पूरा परफेक्ट मेरे पूरे जो मेरा जितना मतलब एनालिसिस है दोस्तों पूरी मैं जी जान से दोस्तों कोशिश करके अभी यस बैंक के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी ये बैड न्यूज का ये वीडियो है ये आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों नया वीडियो के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं थोड़े ही समय में, तो आप बने रहे हैं। अगर आपको दोस्तों विश्वास हो तो आप ऐसे मार्केट न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप अपनी खुद की ओपिनियन होगी इसमें, ऐसे मार्केट न्यूज की दोस्तों कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि देश देखते दोस्तों ये सडनली एक हार्ट अटैक का केस निकल के आ रहा है, तो ये सडनली हार्ट अटैक में दोस्तों कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों
यहाँ पे मैं पूरी खबर आपको बता दूँ। देख सकते हैं राणा कपूर के घर पे यहाँ पे छापेमारी की गई थी और 600 करोड़ रुपए मिले थे। जो घोटे वाले प्रमोद कपूर, उनके दोनों बेटे डमी कंपनी अर्बन वेंचर को घोटाले बाजू से 600 करोड़ रुपए मिले थे। भ्रष्टाचार में DHFL बैंक ने 4400 करोड़ रुपए के लिए इस कंपनी से पैसे दिए थे, जिसकी जाँच चल रही है। और DHFL ने 3750 करोड़ रुपये ऋण और DHFL द्वारा नियंत्रित फर्म RKW डेवलपर्स को 750 करोड़ रुपये ऋण दिया गया था। अब ये देखो काफ़ी यहाँ पे लंबा अपना वीडियो हो चुका है, तो अब आपको सीधी सी बातें बता दें कि अभी जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटियों का घोटाले की लाभार्थी उनको भी शामिल किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, तो अब इनको DHFL घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं। DHFL को यस बैंक से मिले थे इतने पैसे, उसके पश्चात दोस्तों अभी इनको 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों कुछ और खबर निकल जाएगी दोस्तों, आपको प्रेजेंट की जाएगी SS मार्केट न्यूज के द्वारा सबसे पहले। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे अब मैं लेके आ रहा हूँ यस बैंक में आपके लिए जो मेरा खुद का ओपिनियन है, उसके बाद डिसीजन आप करेगा। ओपिनियन दोस्तों मेरा खुद का रखता हूँ दोस्तों, आप अपना ओपिनियन चेंज भी कर सकते हैं। भाई भाई दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपका जो मैं यहाँ पे गुस्सा जो मीडिया के ऊपर फूटा है या यस बैंक पे फूटा है, RBI पे फूटा है, किस पे फूटा है, ऐसे मार्केट में जो आपका फूट सकता है दोस्तों, आपके ये यानी कि आप यानी कि आपका गुस्सा कितना ही फूटा दोस्तों, ऐसे मार्केट न्यूज के ऊपर भी फूट सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिसलाइक करेंगे दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, मैं आपका यानी कि दोस्तों जी मारते दम तक दोस्तों ऐसे मार्केट न्यूज दोस्तों आपका साथ निभाएगा। चाहे यस बैंक की दोस्तों हालत चाहे कितनी खराब हो जाए या कितनी अच्छी हो जाए, तो भी दोस्तों आपका मैं डिसलाइक का भी दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।